Hi everyone! I'm Manakshi Sharma. Welcome you all on my YouTube channel. So, guys, in this video, we will read a chapter, chapter sixteen, Aladdin and the Magic Lamp from Real English Class Second. So, characters of the chapter: Aladdin, Aladdin is a poor tailor's son. Mustafa, Aladdin's dead father.

खाना खा रहे होते हैं जो क्या है सूखी रोटी और वेजिटेबल सोप अलादीन सो दिस साइन अलादीन इज अलादीन इज आस्किंग हिज मदर और समथिंग टू हिज मदर सो मदर आई मेट माई अंकल इन स्ट्रीट दिस मॉर्निंग सो अलादीन अपनी मदर से बताता है कि आज मैं गली में अपने अंकल से मिला जरीना Surprised तो जरीना सुन के सरप्राइज हो जाती है योर अंकल डिड ही टेल यू हिज नेम क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया अलादीन he ही सैड ही इज brother ब्रदर हाँ उसने बताया कि वो फादर का ब्रदर यानी उसके पिता का भाई है जरीना मुस्तफाज ब्रदर say वाट डिड ही से वो क्या कहता है मुस्तफ़ा का ब्रदर door और उसी टाइम क्या होता है कि कोई वहां दरवाजे को खटखटाता है वॉट इज दैट नॉइज हु इज देयर अलादीन गो एंड फाइंड आउट अब यहाँ पे जरीना बोलती है अलादीन से कि जरा बाहर जाकर देखो कौन है दरवाजे पर अलादीन गोज एंड ओपन्स द डोर ग्रीटिंग अंकल मदर मदर कम क्विकली अंकल हैज कम टू us। कि माँ जल्दी बाहर आओ अंकल हमें मिलने आए हैं विजार्ड ग्रीटिंग टू यू अलादीन जरीना कम्स टू द डोर ग्रीटिंग टू यू जरीना तो वो दोनों को ग्रीट करता है विश करता है एंड देन जरीना जरीना इज आस्किंग हु आर यू तुम कौन हो हाउ डू यू नो माई नेम और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम आई डोंट नो यू मैं तो तुम्हें नहीं जानती विजर्ड जरीना डोंट यू रिमेंबर मी क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ आई एम योर डैड हजबेंड्स ब्रदर मैं तुम्हारे डेड हस्बैंड का ब्रदर हूँ जरीना मुस्तफ़ाज ब्रदर आफ्टर सो मैनी ईयर्स प्लीज कम इन साइड डू सिट डाउन अब वो उसको बुलाती है और अंदर बैठाती है विजार्ड, थैंक यू पीस बी अपॉन यू टू अलादीन यू हेयर अलादीन देन अलादीन आई नीड योर हेल्प देन ही आस्क हिम फॉर हिज हेल्प कि वो उससे हेल्प करने के लिए बोलता है आई एम एन ओल्ड मैन टमोरो आई मस्ट टेक आउट द ट्रेजर व हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस मैंने एक सीक्रेट प्लेस पे एक ट्रेजर यानि कि खजाना छुपाया हुआ है और अब मैं काफ़ी ओल्ड हो गया हूँ दैट्स वाई आई नीड योर हेल्प मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए विल यू गेट इट फॉर मी क्या तुम मेरे लिए वो खजाना ला दोगे आई विल मेक यू वेरी रिच इफ यू हेल्प मी और यदि तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें भी काफ़ी रिच बना दूंगा अला दीन

The wizard, जो ये होते है, है, उसके पास काफी सारी magic power है. तो lights fire, वो आग जलाता है and throws a magic powder in it. और उसमें मैजिक पाउडर डालता है द अर्थ शेक्स टेरिबली एंड द ग्राउंड ओपन और जिससे क्या होता है धरती कांपने लगती है और वो ग्राउंड ओपन हो जाता है देर इज बिग स्क्वायर स्टोन विद राउंड ब्रास रिंग इट और वहां पे उन्हें एक स्क्वायर स्क्वायर स्टोन दिखाई देता है जिसके ऊपर एक रिंग बनी हुई होती है अलादीन इज एस्टोनाइज एस्टोनाइज मीन सरप्राइज अब वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है देन विजार्ड विजार्ड इज अलादीन पुल ऑफ द ब्रास रिंग ये ब्रास रिंग खींचो अलादीन यस अंकल और पुल्स ऑफ द रिंग वो रिंग को खींचता है मूव्स टू वन साइड ही सीज अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जिससे क्या होता है स्टोन वहां से हट जाता है और उसे वहाँ पे एक सीढ़ी दिखाई देती है केव कि वहां पे एक पुराना सा ओल्ड लैम्प पड़ा हुआ है वो मेरे लिए ला दो बाकी जो भी कुछ तुम चाहो वहां से ले सकते हो Aladdin, yes, uncle, goes यस अंकल enters डाउन एंड एंटर्स एन means हेयर बिग एक बड़ी सी गुफा होती है वहाँ पे वो जाता है बिग केव सो इट्स वेरी डार्क इन हेयर जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है अलादीन बोलता है यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है बट वॉट्स दैट साइनिंग ओवर दे लेकिन वहाँ कुछ चमकता हुआ उसे दिखाई देता है रब सीजाई जो अपनी आंखों को रब करता है गोल्ड एंड जेवल्स वॉट सेल आई टेक विद मी दिस बॉक्स ऑफ जेवल्स और दीज बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइंस उसको वहाँ पे काफ़ी सारा ट्रेजर काफ़ी सारा खजाना मिलता है और वो सोचता है कि इन सब में से मैं क्या लूँ इतना सारे जो ये गोल्ड कोइंस हैं ये लूँ या फिर ये जो जेवल्स हैं हीरे मोती हैं ये uh, क्या लूँ मैं इनमें से नाव वेयर इज द लैम्प अब वो सोचता है कि ये लैम्प तो दिखाई नहीं दे रहा है लैम्प कहाँ है ओ देयर इट इज आई वंडर वाई अंकल वॉन्ट दिस डी ओल्ड लैंप वो कंफ्यूज हो जाता है कि अंकल ने ये सारा खजाना तो छोड़ दिया लेकिन ये डर्टी सा गंदा सा ओल्ड लैंप है उसको क्यों मांग रहे हैं ये अंकल विजर्ड आउटसाइड हरी अप ब्रिंग मी द लैंप क्विकली अब वहां से विजर्ड भी चिल्लाता है बाहर से कि जल्दी से मेरे लिए ये लैंप लेके आओ अलादीन आई एम कमिंग अंकल आई हैव द लैंप अब वो कहता है कि मुझे लैंप मिल गया है मैं आ रहा हूँ स्टार्ट क्लाइम्बिंग अप स्टेयर्स आई विल गिव इट टू यू बट फर्स्ट लेट मी कम आउट इन टू द ओपन एयर वो कहता है ठीक है मैं आपको ये लैंप दे दूँगा लेकिन पहले मुझे ओपन एयर में तो आने दो विजर्ड यू विगड बॉय गिव इट टू मी एट वंस और आई विल पनिश यू आई विल सट यू इन द केव और विजर्ड वहाँ से चिल्लाने लगता है कि तुम दुष्ट बच्चे तुम जल्दी से मुझे ये लैंप देते हो या नहीं नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा और मैं तुम्हें इसी केव में इसी गुफा में बंद कर दूंगा अलादीन आई वॉन्ट गिव यू द लैंप अब अलादीन भी गुस्से में बोलता है ठीक है मैं तुम्हें यह लैम्प नहीं दूंगा विजर एंग्रीली देन स्टे इन द केव थ्रोज सम मैजिक पाउडर ऑन द स्क्वायर स्टोन एंड साउट आई स्पेल द स्टोन मूव्स एंड सर्ट्स द केव और वो वहाँ पे फिर से जो कुछ मैजिक पाउडर डालता है जिससे कि केव का जो दरवाज़ा होता है जो स्टोन का होता है वो बंद हो जाता है आई कैन नोट गेट द लैम्प माई सेल्फ सम वन हैज टू गेट इट फॉर मी इफ़ आई ट्राई टू गेट इट आई विल डाई देन वो बताता है अलादीन को कि मैं ये लैम्प खुद नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं इसको लेने की कोशिश करूंगा तो मैं मर जाऊँगा इसलिए मुझे ये लैम्प किसी और से ही लेना है अलादीन आई कॉन्ट गेट आउट हेल्प हेल्प अंकल वाई हैव यू सट मी इन अब वो चिल्लाता है अंकल मेरी मदद करो मैं अकेले बाहर नहीं आ सकता सोबिंग so ओ oh, what सेल आई डू इफ आई लाइट दिस ओल्ड लैम्प आई मे फाइंड मी फाइंड माई वे आउट आई विल क्लीन इट फर्स्ट अब वो सोचता है यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है अगर मैं इस लैंप को ही जला लूँ तो यहाँ पे काफ़ी उजाला हो जाएगा जिससे कि मैं अपना रास्ता ढूंढ लूँगा सो आई विल क्लीन इट फर्स्ट तो वो सोचता है काफ़ी गंदा है पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ टेक्स दैम्प एंड इट ओन हिस्सा जीनी अपी वो क्या करता है उसको रब करता है लैम्प को और उसमें से क्या होता है एक जीनी अपियर एक जीनी निकल के आता है एक जीन निकल के आता है सर्वेंट ऑफ द लैम्प मैं इस सर्वेंट मैं इस लैंप का सर्वेंट हूँ माई होम एज इन द लैम्प एंड द मैन हु ओन्स द लैम्प ओन्स मी और जिसके पास ही लैम्प होगा उसी वो ही मेरा मास्टर होगा वॉट आर योर विशेष अब मुझे अपनी इच्छा बताओ अलादीन एम आई ड्रीमिंग अब अलादीन सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ अपने को पिंच करके देखता है ये तो जादुई जीन है कैन यू टेक मी होम अलोंग विद ऑल दी जेविल्स क्या तुम मुझे सारे खजाने के साथ जो मेरे घर पहुँचा सकते हो जैनी सर्टेनली मास्टर अवे विद वी गो और वो कहता है हाँ स्योर मैं पहुँचा सकता हूँ अलादीन मोमेंट्स लेटर और थोड़ी ही देर में ओ आई एम बैक इन माई हाउस अगेन अब वो अपने घर वापस पहुँच जाता है जिनी थैंक यू यू सेव्ड माई लाइफ और वो जिनको थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई जरीना जरीना, जरीना अलादीन मदर अलादीन अलादीन वॉट हैपन अब जरीना उससे पूछती है अलादीन से कि क्या हुआ एंड ही टेल्स हिज मदर द होल स्टोरी और वो सारी की सारी स्टोरी अपनी मदर को बताता है जरीना दैट वॉज नॉट योर अंकल वो तुम्हारे अंकल नहीं थे ही एक जादू जादुई आदमी थे Remember, एक जादूगर थे रिमेंबर वन थिंग नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड टेल दैम वेयर यू लिव और तुम अब किसी को भी या किसी भी स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी किसी भी अजनबी को नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो किसी से भी बातें नहीं करोगे अलादीन यस मदर आई विल रिमेंबर दैट मैं याद रखूंगा अलादीन बिकेम वेरी रिच विद द हेल्प ऑफ द जीनी ही एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर उसके बाद वो दोनों अमीर हो जाते हैं और वो हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं देन कॉम्प्रीहेंसन फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन सो लेट्स सी विल कम लेट्सर aladdin was a tailor's, tailor's son then a weird wizard what will come here wizard then meets aladdin and sage i am your father's brother फादर्स ब्रदर देन टू हेल्प हिम ही टेक्स हीम टू अरो वैली एक नैरो वैली में लेके जाता है उसे ही लाइट्स आ फायर

द विज टेल्स अलादीन टू गो डाउन इन टू द केव एंड लुक फॉर एन ओल्ड लैंप द नोज, ही विल वो मर जाएगा इफ ही ट्राइज टू गेट द लैम्प हिमसेल्फ यदि वो खुद लैम्प लेने की कोशिश करेगा सो ही विल डाई डन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वो Here we have to fill the words from the box. The glass was full of water. Deepak drank all the water. Now the glass is empty. Then, second one. Wizard to Aladdin, go down and look for an old lamp. Then come up and give me the lamp then third one the king said to the brave young man the horse will run from sunrise till sunset you have to follow it so here you see we are filling the opposite words here now fourth one i can never forget माई ग्रैंड मदर मैं अपनी ग्रैंड मदर को नहीं भूल सकता आई विल ऑलवेज रिमेंबर रिमेंबर हर काइंडनेस एंड द स्टोरीज सी टोल्ड मी और मैं उनकी दयालुता और उनकी स्टोरीज को हमेशा याद रखूँगा डोंट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी यू मस्ट टॉक सॉफ्टली लाइब्रेरी में आपको तेज नहीं बोलना है आपको आराम से बोलना चाहिए एवरी वन इज हैविंग लंच सो देयर इज नो वन इन द गार्डन डन देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज शुड एंड शुड नोट सो हेयर गाइड वी यूज शुड फॉर गिविंग एडवाइस टू अदर अगर हमें किसी को एडवाइस देनी है तो हम क्या यूज करते हैं शुड और अगर किसी को हमें किसी चीज को करने से मना करना है तो हम कहते हैं सुड नोट सो हेयर यू सी फॉर द गुड हैबिट वी शुड से सुड एंड फॉर द बैड मैनर वी विल राइट हेयर सुड नोट यू डैस स्पीक पोलाइटली सो दिस इज द गुड हैबिट सो वी विल राइट हेयर सुड देन वी डैस मेक फन ऑफ अदर्स तो हमें दूसरों की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए दिस इज द बैड हैबिट सो शुड नोट शुड नोट देन यू डैश वॉक इन द रेन यू विल कैच कोल्ड सो हेयर यू शुड नोट शुड नोट देन एवरी वन डैश लीव द बाथरूम क्लीन एंड ड्राई बाथरूम को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए दिस इज द गुड हैबिट सो फिल हेयर देन यू बैंग द डोर सट सो हेयर सुड नोट एंड नो वन डैश टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी सो हेयर टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी दिस इज द बैड हैबिट बट हेयर नेगेटिव सब्जेक्ट इज गिवेन नो वन सो वी विल फिल हेयर सुड नो वन सुड टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी क्योंकि हमें कभी भी दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं करने होते हैं सो हेयर स्टोरेज फिनिश्ड ओके